बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणा प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। चौदे तबकों में पिया हो, चौदे तबकों में पिया, तू ही दीदारे काबिल है। चौदे तबकों में पिया, तू ही दीदारे काबिल है। जो गरक हुए तुझ में, तेरी वाहिदत में शामिल है। जो गरक हुए तुझ में, तेरी वाहिदत में शामिल है। चौदे तबकों में पिया, तू ही दीदारे काबिल है। आशिक दिलों में तेरे नाम का, तेरे प्यार का उजाला। आशिक दिलों में तेरे नाम का, तेरे प्यार का उजाला। आई वतन खुशबुए वहां, आई वतन खुशबुए वहां, जहां रहता मेरा अर्श वाला, जहां रहता मेरा अर्श वाला। क्या गरज करूं जग की हो, क्या गरज करूं जग की, मुझे जब तू ही हासिल है। चौदे तबकों में पिया, तू ही दीदारे काबिल है। चौदे तबकों में पिया, तू ही दीदारे काबिल है। दर्द मिटा दुख दूर किया, ऐसा तू मेरा महरम है। दर्द मिटा दुख दूर हुआ, ऐसा तू मेरा महरम है। रहमत भरी नजरों से नवाजा, रहमत भरी नजरों से नवाजा, तूने मुझे हर दम है, तूने मुझे हर दम है। मुझको तुमने ही तो हो, मुझको तुमने ही तो बनाया अपने काबिल है। जो गरक हुए तुझ में, तेरी वाहिदत में शामिल है। चौदे तबकों में पिया, तू ही दीदारे काबिल है। रूह की नजर जब खोल दी तुमने, फिर क्यों रहे फरामोशी। रूह की नजर जब खोल दी तुमने, फिर क्यों रहे फरामोशी। तुमने जगाया तुमने बुलाया, तुमने जगाया तुमने बोला।
अंगना में प्राणपति की, अंगना का दिल प्रीतम हो, अंगना का दिल प्रीतम तुम्हारी प्रीत से निर्मल है। जो गरक हुए तुझ में तेरी वाहिदत में शामिल है। चौदे तबकों में पिया तू ही दीदारे काबिल है। चौदे तबकों में धनी तू ही दीदारे काबिल है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सभी श्रद्धा सुमन सुंदर साह जी को हृदय से रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हे सुंदर साह जी, धाम धनी ने जो यहाँ इलम भेज करके हम रूहों के अंदर जो परिवर्तन लाया है, हमारी नजरों के अंदर जो परिवर्तन लाया है, वो ये है कि जहाँ शारीरिक नेत्रों के द्वारा इस सारे संसार को हम देखा करते थे, वहीं पर अपनी बातुनि दृष्टि प्रदान करते हुए धाम धनी जी ने हमारे दृष्टिकोण को ही बदल दिया। और अब ये दृष्टिकोण ऐसा बन चुका है जो संसार को देखते हुए भी उसकी क्षणभंगुरता से वाकिफ है, जो संसार को देखते हुए भी इस संसार के अंदर किस प्रकार के गुण हैं, किस प्रकार के भाव हैं, कौन कौन से अभाव हैं, ये सारी बातों को रूहों ने इलम के द्वारा जब जाना, और ऐसे रूहें बारंबार जब इस इलम का मनन करने लगी, हर पल हर क्षण धनी का यह इलम, धनी का दिया हुआ तारतम ज्ञान जब उनके दृष्टि में जा बसा, इसके द्वारा अब इन रूहों को संसार की ऐसी पहचान होती है कि ये रूहें संसार को देखते हुए भी इस बात को जानती हैं, संसार को तो हम देख ही रही हैं, लेकिन 14 लोक के बीच में पियाजी के अतिरिक्त, पियाजी के अलावा और कोई ऐसा नहीं है कि जिनको हम दीदार करें और जिनके हम शरणापन्न हो जाएं। रूहों के दिल में यही बात निश्चित रूपेण चौकस हो गई, क्योंकि इलम ने इनको चौकस करा दिया। धनी के इलम के बिना ये बात रूह के अंदर कभी चौकस हो ही नहीं सकती है, और यही कार्य धनी जी के इस इलम ने, इस तारतम ज्ञान ने किया। जब रूह की नजर को खोल दिया, तब रूह के आड़े जो विभिन्न फरामोशी के पर्दे पड़े हुए हैं, एक के बाद एक वो पर्दा उठता जा रहा है इस इलम के द्वारा, और वह रूह धनी जी के प्रति अब सुनिश्चित रूप से खड़ी होती जा रही है। यही है इलम की बारीकी, यही है इलम की विशेषता। और सुंदर साह जी, अंगना का दिल प्रीतम तुम्हारी प्रीत से निर्मल है। यहाँ अंगना जो है वो समर्पण के भाव से कह रही है, हे पिया, हम तो उस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं जहां पर दुनिया एक दम भी मार नहीं सकती, जिस मार्ग के ऊपर दुनिया के लोग एक कदम भी रख करके चल नहीं सकते, लेकिन क्योंकि अंगनाओं का दिल आपके प्रीत के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा निर्मल हो चुका है, पाक हो चुका है, इसीलिए ये अंगनाएं इस मार्ग के ऊपर चलने के लिए कटिबद्ध है। तो सुंदर साह जी, ये इलम की विशेषता है। और आइए श्री खिलवत ग्रंथ के अंतर्गत 4थे प्रकरण की चर्चा को हम
प्रारंभ करते हैं और श्रीराज श्यामा जी के युगल चरणों में प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागो दो चरण को धन्य न छुड़ाइयो क्षिणा। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ए ही जीवना, मेरे जीव के ए ही जीवना। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पलना वालों निरखून त्रे। मेरे जीव के ए ही जीवना, मेरे जीव के ए ही जीवना। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरण कमल में अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सुंदर सांझ जी को हृदय से प्रणाम करते हुए आइए सुंदर सांझ जी आज की मजल का शुभारंभ करते हैं। श्री महामति कहे मैं हक की पहुंची बक्का में, ए मैं असल रस की, ए मैं मोमिनो हक से, ए मैं मोमिनो हक से। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। श्री इंद्रावती सखी इस खिलवत ग्रंथ के अंतर्गत इस झूठी मैं को समझाने के बाद धनी की सच्ची मैं को समझा चुकी हैं। जब धनी की सच्ची मैं आ जाती है उसके पश्चात उस रूह उस आत्मा का चाल चलन व्यवहार कैसा हो जाता है, उसके अंदर किस प्रकार का बदलाव आ जाता है, उसके सोच विचार कैसे हो जाते हैं, अब इस विषय श्री इंद्रावती सखी अपने भाव श्री राजी के चरणों में व्यक्त करती हैं। हे मेरे धनी, हे मेरे पिया, ज्यों जानो त्यों रखो। हृदय की गहराइयों से कहा है। हम भी कहते हैं, हम भी गाते ही हैं और इस चौपाई को मौखिक रूप से भी जानते हैं, किंतु इंद्रावती सखी जिस भाव से कह रही है इस भाव को अपनाने के बाद अगर इसी चौपाई को कहेंगे तो सुंदर सांझ जी तब जाकर इनके हृदय की जो गहराई है ना वह हमारे समझ में आ पाएगी। क्योंकि इंद्रावती सखी जिस भाव से कह रही है वो समर्पण का भाव है। श्री इंद्रावती ने कहा धनी तुम्हारी मैं, हे मेरे पिया, जो मैं आपने मेरे अंदर अब प्रवेश करा दिए वो मैं आपकी मैं है। इसीलिए हे मेरे पिया, जैसे आप समझते हैं वैसे मुझे रखिए। नो कंडीशंस, नो आर्ग्यूमेंट्स। मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है कि मुझे दुख में रखिए, ना तो मैं कहती हूँ मुझे सुख में रखिए, ना तो मैं कहती हूँ मुझे पास रखिए, ना तो मैं कहती हूँ मुझे दूर रखिए। ज्यों जानो त्यों करो।
जैसा आप ठीक समझते हैं वैसा कीजिए, क्योंकि हे पिया आपकी मैं जो मेरे अंदर आप ही ने प्रवेश कराई, तब मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो नहीं समझा था, फिर भी कृपा करते हुए जब आप इस प्रकार से अपनी मैं को मेरे अंदर में प्रवेश कराते हैं, तो मेरा अच्छा मेरा बुरा मेरे श्वास प्रश्वास के अंदर जो भी कुछ बीत रहा है, ये सब करने वाले कराने वाले ये कौन है? आप ही तो हैं। हे मेरे पिया, जैसा आप ठीक समझें वैसे ही ये अंगना रहेगी, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, एक कहने को भी ना कछु। अगर मुझे कहना ही होता कि मेरी ये अर्जी है, मेरी ये विनंती है, मेरी ये प्रार्थना है, तो मैं कह देती, किंतु अब ऐसी स्थिति निर्माण हो चुकी है, कहने के लिए भी कुछ है ही नहीं। कहूं तो क्या कहूं, धनी तो सर्वज्ञ है, ही इज द ऑल नोअर। ऐसे सर्वज्ञ धनी जिनके हुकुम से यहां मेरे जीवन के अंदर हर पल हर क्षण जो जो हो रहा है उस सब धनी का हुक्म ही करा रहा है, इतना जानने के बाद, इलम ने इस प्रकार से निश्चित कराने के बाद मैं क्या कहूं, क्या मांगूं हे पिया जी आपसे। साथ जी, हमारे लिए भी ये भाव जो इंद्रावती सखी ने यहाँ पर ले आए हैं, ये बड़ा ही उत्तमाति उत्तम भाव है, क्योंकि इसके अंदर अंगना की कोई भी प्रकार की कोई कामना मनोकामना आदि नहीं है कि धनी मुझे इस हाल में रखेंगे, जैसे जानो वैसे रखो, जो अनुभव दिलाना चाहो सो दिलाओ। लेकिन हे पिया, जो भी अनुभव आप दिलाते हैं उसे सहन करने की क्षमता ही चाहिए, बस इतना ही है। इसके बिना कोई भी एक प्रकार की भी मनोरथ या इच्छा मैं सामने नहीं रख सकती, क्योंकि इलम मुझे ये दिखाता है, इलम ने इस बात को निश्चित करा दिया है कि पिया के बिना कुछ सच्चा है ही नहीं, पिया के बिना सब कुछ मिथ्या है। ऐसे मिथ्या जगत की बात को धनी से कैसे मांगूं? और यदि पिया के चरणों में समर्पित हूं तो पिया से कैसे कहूं कि धनी ऐसा कर दीजिए, वह कर दीजिए, धनी स्वयं सिद्ध है, धनी स्वयं सब कुछ जानने वाले हैं, तो उन्हें मैं कैसे कहूं? तो कहा कहूं तुमसे, मेरी तो यहां वाचा ही बंद हो चुकी है, पिया से कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है, कोई जगह भी नहीं, क्या कहूं हे पिया मैं आपसे। कछु कछु दिल में उपजत सो भी तुम ही उपजावत। पुनः इंद्रावती सखी कह रही है कि जो भी कुछ मेरे दिल के अंदर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जो कोई भी वस्तु प्रकट हुई हो, कोई इच्छा प्रकट हुई हो, ये उपजाने वाले भी धनी ही हैं, क्योंकि जागृत आत्मा स्वरूप इंद्रावती सखी ने धनी की मैं को आगे लगाया है। जहां धनी की मैं है उस मैं के अंदर मुझे धर्म कार्य करना है, 14 लोक के अंदर इस धर्म को प्रचार प्रसार करना है, ये जो सारी बातें हैं वो तो धनी की मैं की ही है और वो तो धनी के दिए ही आई हुई है। इसीलिए ये बात वो भी इंद्रावती सखी ने निश्चित किया है कि जो भी कुछ मेरे दिल के अंदर अब आ रही है वो सारी बातें धनी के दिए ही आ रही है, धनी के उपजाए ही उपज रही है। दिल बाहर भीतर अंतर, अब इस हृदय के बाहर भी हो, दिल के भीतर में भी हो, या अंतर हृदय के अंदर भी क्यों ना हो, हर प्रकार की इच्छा जो हो रही है, क्योंकि धर्म कार्य को लेकर के भी 3 स्तर के ऊपर में इच्छा निर्माण होती है, जो दिल के अंदर हो, दिल के बाहर हो, या फिर अंतर हृदय के अंदर हो,
तीनों गहराइयों के अंदर जब कभी कोई इच्छा प्रकट होती है, वो भी करने वाले मेरे धनी ही हैं। सब तुम ही हक जानत, उपजाने वाले भी आप ही हैं और जानने वाले भी आप ही हैं और पुरताल करने वाले भी आप ही हैं। तो मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं या मैं क्या मांगूं? हे पियाजी, कुछ भी कहने मांगने पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। झोलो रखी तुम होश में, जब तक थोड़ा सा भी होश मेरे अंदर था। होश कहने का मतलब जब तक धनी से स्वयं को अलग मान करके थोड़ा सा भी मेरे अंदर वो मैपन शेष था, तब लग उपजत ए, तब तक ये उपजत, इस प्रकार से मेरे अंदर में ये कोई चाहना उत्पन्न होती थी, प्रकट होती थी। ए मैं मांगे तुम्हारी तुम पे, किंतु ये भी जो प्रकट हो रहा है वो आप ही की मैं जो आपने प्रदान की वो ही आपसे मांग रही है, आपकी मैं आप ही से मांग रही है। इसमें मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, ना तो मैंने कुछ मांगा हुआ है। तुम मंगावत जे, मंगाने वाले भी आप ही हैं, पुरताल भी आप ही करेंगे। तो इस प्रकार से सारी जो इच्छाएं अंतर मन के अंदर, बाहर या फिर भीतर जो कुछ भी प्रकट होती है, ये सब कुछ धनी के दिलाए ही आती है, क्योंकि धनी की मैं के द्वारा इच्छा की गई। और इतना ही नहीं, धनी के इच्छा पूर्ति करने से ही वह समाप्त भी होती है। इसीलिए जो कोई ऐसी जागृत आत्मा इंद्रावती सखी की भांति अनुभव कर रही है, ये जागृत आत्माएं कभी अपने धनी से कुछ मांग नहीं सकती है, क्योंकि वो जानती है जैसा धनी जानेंगे वैसा ही धाम धनी जी करेंगे। तो इस प्रकार से जानने के पश्चात यहां पर अपने धनी जी से कुछ भी मांगने, कुछ भी कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। पिया स्वयं ही देते हैं, पिया स्वयं ही पुरताल करते हैं। इसीलिए तो इंद्रावती आत्मा कर रही है कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि धनी जैसे आप जानो सो करो, मेरे कहने की कोई जगह नहीं है। मैं मांगत डरत हूं, सो भी डरावत हो तुम। अगर मुझे कुछ मांगना है तो ये मांगने के लिए भी मेरे अंदर एक डर है, मेरे अंदर एक विचार है कि पिया से मैं कैसे मांग सकती हूं। मैं मांगे तुम्हारी तुम पे, किंतु हे धनी जी, इसी के साथ मैं यह भी जानती हूं कि जो भी कुछ मैं मांगूंगी वो आप ही की मैं ही मांग रही है, वो मैं नहीं मांग रही हूं या मैं आपसे अलग होकर के मांग नहीं रही हूं। ना तो क्यों डरे अंगना खसम, ये जानते हुए कि मैं अंगना का भाव लेकर के आपसे मिली हूं, तो ये अंगना अपने खसम के साथ मांगने से भला क्यों डरेगी? उसे डरने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने धनी जी के साथ में एक है। इस प्रकार से हे मेरे पियाजी, आपकी मैं आपसे मांग रही है, तो उसमें मुझे डरने की आवश्यकता तो है ही नहीं, किंतु फिर भी एक डर हृदय के अंदर है, और उसका कारण अगली चौपाई के अंदर में बताते हैं। हजरत इसे मांगिया, हजरत ईसा श्री सतगुरु स्वरूप है, श्री सतगुरु स्वरूप ने मांगा। अब क्या मांगा, धीरे धीरे इसका स्पष्टीकरण आने वाली चौपाई में करेंगे। हक अपनायित कर, अपनापन लेकर। कौन मांग रहे हैं? श्री परम धाम के श्री श्यामा जी महारानी हजरत ईसा मांग रहे हैं।
जिनको ईसा साहिब कहा हुआ है। ऐसे ईसा साहिब यहाँ पर आकर के अपने प्रियतम धनी से मांग रहे हैं, परंतु क्या मांग रहे हैं ये अब आने वाली चौपाई के अंदर में समझाते हैं। तिन पर एक गुनाह लिखा, उन्होंने तो मांगा तो अपने प्रियतम धनी के अपनापन जान करके इस प्रकार से मांगा, किंतु फिर भी उनके ऊपर में गुनाह लिख दिया गया। क्यों? उन्होंने जो मांगा इस विषय में, ए देख लगत मोहे डर। इंद्रावती सखी कहती है, जब ईसा के प्रति, जब सतगुरु के प्रति गुनाह लिखा दिया गया कुरान के अंदर, इस बात को देख करके मेरे रूह को अत्यंत डर सा प्रतीत होता है, डर लगता है। जब हजरत ईसा ने मांगा, सतगुरु स्वरूप ने मांगा, जब उनको भी इस प्रकार से गुनाह लिख दिया गया, तो हम तो रूहे हैं, वे तो स्वरूप हैं, वे तो श्री श्यामा जी हैं। फुरमान देख के मैं डरी, जब कुरान फुरमान के अंदर उनके ऊपर गुनाह लिखा है, इस बात को मैंने देखा, समझा, पाया, तो मैं डर गई। देख रूह अल्लाह पर गुना, अरे जो रूह अल्लाह है, जो श्री राजी महाराज के अर्धांग स्वरूप हैं, जो धनी की अलहादिनी शक्ति स्वरूपा है, ऐसे रूह अल्लाह के ऊपर जब गुनाह लिखा हुआ है, एक खास सी रूह खुदाए की, अरे ये तो खुदा की श्री राजी महाराज की खास सी रूह है, यानी कि ये सबसे ज्यादा में ज्यादा खासल खास के अंदर भी उत्तमाति उत्तम सभी रूहों को खासल खास कहा है, किंतु इन सभी रूहों के जो स्वरूप हैं वो श्री श्यामा जी हैं। ऐसे श्री श्यामा जी महारानी के ऊपर जब गुनाह लिख दिया जा सकता है, तो फिर अन्य रूहें तो कौन से हिसाब में है। मोमिनो रहिया न आशंका, मोमिनों के दिल में तो कोई शंका रहनी नहीं चाहिए। देयर शुड बी नो सस्पिशन इन द माइंड्स ऑफ द ब्रह्म सृष्टिस। जब स्वरूप के ऊपर गुनाह लिखा जा सकता है, तो जब यहाँ रूहें अगर कुछ मांग मांगने लगी, तो उनके ऊपर क्या नहीं लिखा जा सकता, इस बात में कोई शंका ही नहीं है। तो डर बड़ा मोहे लगत, जो गुनाह कैया इन पर। श्री इंद्रावती कह रही है, इसी वास्ते इन पर श्री श्यामा जी के ऊपर जो गुनाह लिखा गया, क्यों? अपनी साधना करते समय अपनापन के द्वारा जब धनी से मांगती है, अब जो साधनशील है वो कुछ संसारी दुख सुख तो मांगेंगे ही नहीं, उन्होंने मांगा तो भी धनी से मांगा, धनी की ही चीज को मांगा है। फिर भी अगर गुनाह लिखा हुआ है, तो इसका तात्पर्य है कि इसके अंदर समझने की जगह है। माफक रूह अल्लाह के कोई मर्द नहीं बराबर, रूह अल्लाह के माफक, रूह अल्लाह श्री श्यामा जी के बराबर कोई और मर्द है तो कहें। मर्द उनको कहा गया जो कि इस संसार के बीच में आकर संसार की सभी चुनौतियों का सामना करते हुए धर्म का ध्वज खड़ा कर देते हैं, धर्म के लिए कटिबद्ध होकर के जो मेहनत करते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करने से जो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, ऐसे को मर्द कहा गया। जैसे स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, होसी मर्द मर्द का चेला। गुरु नानक जी ने भी कहा और स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी ने वितक के अंदर इस बात को रखा है। सात जी, मर्द उनको कहा जो सबसे सक्षम होकर के इस चौदह लोक ब्रह्मांड के बीच में धर्म की स्थापना करते हैं, उसके लिए दज्जाल से, उसके लिए माया से कटिबद्ध होकर के लड़ाई लड़ते हैं। क्या रूह अल्लाह के समान कोई और ऐसा मर्द है
कोई ऐसा जोरदार बराबर है? कोई भी नहीं है, क्योंकि रूह अल्लाह ने श्री श्यामा जी श्री सतगुरु ने अपनी 35 वर्षों की मेहनत के बाद श्री परमधाम अर्शजीम से लाहुत की भूमिका से तारतम महामंत्र का अवतरण किया, इसलिए उनके बराबर कोई नहीं है। एक खावंद है अरस अजीम का, हादी हमारा सोय। पुनः इंद्रावती सखी कह रही है, श्री सतगुरु स्वरूप की और व्याख्या करते हुए कह रही है, हे रूह ध्यान से सुनिए, अरस अजीम सर्वोत्तम परम धाम द सुप्रीम अबोर्ड, यहाँ के जो खावंद कहे गए हैं, जो मालिक कहे गए हैं, क्योंकि मालिक श्री राज्य, जैसे राजा है उसी प्रकार से रानी है, उनसे अलग वो नहीं है। तो जिस प्रकार से श्री राज्य हमारे खावंद है, उन्हीं के अर्धांग स्वरूपा श्री श्यामा जी को भी अर्श अजीम की खावंद ही कहा गया, मालिक ही कहा गया। ऐसे श्री श्यामा जी अर्श अजीम के जिनको खाविंद कहा, और इतना ही नहीं, हादी हमारा सोय, वे हमारे हादी हैं, हमारे सतगुरु हैं। यहां आकर के जिन्होंने तारतम महामंत्र को न केवल उतारा, उसके ज्ञान उसके इलम के द्वारा 313 ब्रह्म आत्माओं को जिन्होंने जागृत किया, श्री इंद्रावती सखी को जगा करके 14 लोक में जिन्होंने इस ज्ञान को पसराना चाहा, ऐसे हमारे हादी हैं श्री सतगुरु श्री श्यामा जी महारानी। इस मानंद 14 तबक में हुआ ना हो सी कोई, इनके मानंद कहने का मतलब बराबर, इनके समतुल्य, इक्विवेलेंट टू सतगुरु श्री श्यामा जी, इस 14 लोक के अंदर उनके बराबरी का कोई है ही नहीं। जिन्होंने ऐसा कार्य करके दिखाया, इसीलिए इनको मर्द स्वरूप कहा गया, सक्षम में सक्षम कहा गया है। हुआ न हो सी कोई, जब उनके समान न कोई हुआ है न कोई हो सकता है, तो फिर ऐसे सतगुरु के ऊपर में गुनाह लिखा क्यों गया? मैं नेक बात या की कहूं, पाक रूहें सुनो सब मिल। क्योंकि सुंदर साथ जी, हम इस प्रसंग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसका खुलासा करना आवश्यक है। इंद्रावती सखी कह रही है कि मैं यहाँ पर नेक यानी अच्छी प्रकार से खुलस्त करते हुए इन सतगुरु के विषय की बात को स्पष्ट करती हूँ। हे मेरे धाम की पाक दिल रूहों, आप श्रवण कीजिए। मैं की खुदी सखत है, ये मैं का जो खुदी पर्दा आवरण, द वेल ऑफ दिस आई, ये कैसा है? सखत है, मजबूत है, वज्रमय है। ऐसे मैं खुदी को जब किसी ने यहां धारण किया है, तो वो मैं खुदी के पर्दे को टालना हटाना दूर करना कोई आसान काम नहीं है। वो इतना सख्त है, इतना बारीक भी है, कि उस बारीक मैं खुदी के पर्दे के कारण से कई बार ऐसा जो गुनाह भी हो जाता है, ए लेजो देकर दिल, दिल देकर के इस बात के ऊपर में विचार करिए, ताकि इस मैं खुदी के अंतिम पर्दे को, सूक्ष्म पर्दे को हम हटा सकें। अगर इस बात को समझ लिया, तो मैं खुदी के पर्दे में कितनी सख्ती है वो भी समझ में आ जाएगा। उसकी सख्ती समझाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? ताकि उसकी सख्ती को समझ करके उसके अंदर कितना सूक्ष्मता, कितनी गहराई छिपी हुई है, इसको समझ करके हम उसको हमेशा के लिए परित्याग करें, इसीलिए ये पर्दे के विषय हमको समझा रहे हैं। रूह अल्लाह करी बंदगी, तिन में उनकी मैं।
जब निरंतर 35 वर्षों तक रुअल्ला ने बंदगी की, अर्थात अपनी साधना में लगे रहे, अपनी उपासना में जब वे लगे रहे, इस बंदगी के साथ ही साथ उनके अंदर में क्या था? मैं था। तो गुनाह किया इन पर इसी झूठे मैं के कारण से, क्योंकि जब तक धनी के दर्शन नहीं हुए अंतिम में जाकर, तब तक झूठी मैं तो थी ही। जब धनी के दर्शन हुए, जब धनी हृदय में विराजमान हुए, उसके पश्चात ही उस झूठी मैं को परित्याग करने लगे। लेकिन धनी मिलने तक वो झूठी मैं ही थी। श्री इंद्रावती कहती है कि जब ये साधना उपासना या बंदगी कर रहे थे, तो उस झूठी मैं को वहां पर अस्तित्व था उनके अंदर। तो गुना किया इन पर, इन मैं मांगिया हक कपे। इसीलिए इन रुहल्ला के ऊपर में गुनाह लिखा गया, क्योंकि उस झूठी मैं के द्वारा अपनायित को लेकर के पिया जी से उन्होंने मांगा। क्या मांगा? कोई लौकिक पदार्थ तो मांगा ही नहीं। हे पिया, मेरी साधना जारी है, इस साधना का फल ये हो कि आपके दर्शन हो जाएं, आप मिल जाएं। किंतु इलम दिखा रहा है कि जब कभी कोई साधना के पथ के ऊपर में चल पड़ते हैं, तो ये साधना जो कोई भी कर रहे हैं साथ जी, वो साधना करने वाले फल की कामना नहीं करते हैं, फल की इच्छा वे नहीं करते हैं, वे केवल अपना ही कार्य करते हैं। और उसके आगे जो भी धाम धनी जी को उन्हें प्रदान करना है, ये तो स्वयं धाम धनी जी ही देते हैं। इस प्रकार से जब रूहल्ला यहाँ पर साधना करते हैं, तब उनके मन में ये भाव आना कि पिया मुझको दर्शन दें, पिया मेरी इस साधना को पूर्ण करें, यह भाव भी उस झूठी मैं ने ले आया है। इसीलिए इस झूठी मैं के कारण ये गुनाह हुआ। वास्तव में रूहों को यह चाहिए कि ये जो रूहे हैं, वो धनी से यह न मांगे, यह न कहें कि पिया आप मुझको यह प्रदान कीजिए। जैसे कि खिला हुआ जो फूल है, उस खिले हुए फूल के ऊपर में भौरा अपने आप ही आकर के मंडराता है, उसे बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसी प्रकार से जब हृदय निर्मल बन जाता है, पवित्र हो जाता है, तब उस समय धनी जी को हमें पुकारना नहीं पड़ता, धनी जी को हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि पिया आप विराजमान होइए। इस साधना के उपरांत जब दिल अत्यंत पवित्र होता है, तो पिया स्वयं ही विराजमान होते हैं। इस प्रकार से जैसे गीता के अंदर भी कहा, कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस फल की कामना के बिना ही अपनी साधना करनी है, क्योंकि धनी सभी कुछ जानते हैं, कौन कहां कौन सी सीढ़ी चढ़ रहा है। अगर जो भी कुछ हमको चाहिए वो मांगने लगे, तो क्या पिया नहीं जानते हैं? इसी बात से सतर्क होना है रूहों को कि हे सखियो, हे धामस्थ सुंदर साजी, जब रुअल्ला के ऊपर इस प्रकार का गुना उस मैं खुदी के कारण लगा, तो हमें भी यह सतर्क होकर के चलना पड़ेगा कि पिया से मांगे नहीं, अपना कार्य करें, अपनी साधना करें। पिया हर पल साथ हैं, धनी हर पल साथ हैं, और वह रूह को देखते हुए उस रूह को जो जिस वक्त जिस समय जो देना है वो अवश्य देते हैं, उनसे मांगने की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो बड़ी ही सुंदर और मार्मिक बात श्री इंद्रावती सखी यहाँ पर हमको बताती हैं। और सुंदर साज जी, इस बात के ऊपर हम यदि गौर करते हैं, तो हमें ये करना है कि धनी के इलम के जरिए धनी से जुड़े हुए रहना है,
धनी की बात के ऊपर में मनन करते हुए उसको दिल में लेना है। फिर उसके पश्चात जैसे धाम धनी आगे लगाए, जो कार्य कराए वो उन्हीं के हाथों में है। इसीलिए इस चौपाई का जो मार्मिक अर्थ है उसके ऊपर हम विचार विमर्श करें, ऐसी करबद्ध आप सहु से विनंती है। तो सुंदर साहब जी, इसी के साथ आज की मजल को यही विराम देते हैं। रूह अल्लाह करी बंदगी तिन में उनकी मैं, तो गुनाह कहिया इन पर इन मैं मांग्या हक पे, इन मैं मांग्या हक पे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम सुंदर साथ।